उसने मेरे चेहरे को बदला है, मेरी किस्मत को नहीं, मेरे फेस पे एसिड डाला है, मेरे सपनों पे नहीं। ये बोलना है एसिड सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल का। दोस्तों एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी लक्ष्मी अग्रवाल की आज हम बायोग्राफी देखेंगे। कौन है ये? एक एसिड सर्वाइवर रही है दोस्तों। 2005 में एक सरफिरे ने पूरी कोशिश की थी कि इनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन ये लड़ी, ये सुप्रीम कोर्ट चली गई, ये सोसाइटी के अगेंस्ट गई, ये सिस्टम के खिलाफ लड़ी, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में जजमेंट पास किया कि तेजाब को ऐसे खुलेआम नहीं बेचा जाएगा। लेकिन फिर भी आप देखते हैं तेजाब खुलेआम बिकता है दोस्तों। देखिए औरतों के पास वैसे ही राइट्स नहीं है, रेप विक्टिम होती है ये, इनके साथ बलात्कार होते हैं, दर्दनाक घटनाएं घटित होती हैं इनके साथ, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, एसिड अटैक्स होते हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर इस तरीके से क्राइम रिपोर्ट किए जाते हैं तो ये सिस्टम का कहीं ना कहीं फेलियर है। तो यहां पे सिस्टम अगर कुछ करेगा नहीं इन सबको रोकने के लिए, तो फिर ऐसे घटनाएं बढ़ती जाएंगी, तो हमको सोचने की जरूरत है। लक्ष्मी अग्रवाल शीरो हैं, आपने हीरो का नाम सुना होगा, ये शीरो हैं। शीरोज के नाम से वैसे दो कैफे भी चलते हैं, एक आगरा में एक लखनऊ में। एसिड सर्वाइवर्स ये कैफे चलाती हैं। स्टॉप एसिड कैंपेन जो पूरी की पूरी चली थी, इस अभियान की लीड एक्टिविस्ट रही थी लक्ष्मी अग्रवाल, और ठान ली थी कि अब तो तेजाब को बंद करवा के ही छोड़ेंगे, और फाइनली एसिड को बंद करवाया भी गया। लीगली तो अब वो नहीं चलता है, एसिड आप ऐसे बेच नहीं सकते आईडी प्रूफ के बिना, लेकिन वैसे सब कुछ चलता है, सब कुछ बिकता है, क्योंकि तो बहुत गलत है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इनकी बायोग्राफी हम देखेंगे। सिड अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। हमने हर एग्जाम्स को कवर किया है दोस्तों, स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेस हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, और घर बैठ के नोट्स बनाइए, अपनी ड्रीम जॉब निकालिए। अब ये देख लीजिए दोस्तों, 2005 से पहले की तस्वीर है ये लक्ष्मी की, और 2005 के बाद की तस्वीर देख लीजिए दोस्तों। ये जो घटना हुई दोस्तों, ये बताती है लक्ष्मी खुद अपने मुंह से कि मेरे जब मुंह पे तेजाब फेंका गया था, तो जैसे पॉलिथीन मेल्ट होता है ना, पॉलिथीन की प्लास्टिक मेल्ट होती है, वैसे ही मेरी स्किन मेल्ट हो रही थी। कोई इनके स्किन पे अगर हाथ लगा रहा था इनके चेहरे पे, तो स्किन पूरे हाथ में आ जा रही थी। इतनी बुरी हालत हो गई थी दोस्तों, ढेर सारी सर्जरीज हुई, और अब हालांकि चेहरा इनका और भी खूबसूरत हो गया है, लेकिन बहुत कुछ झेला है, हर कोई इनको छोड़ के चला गया था। वो का क्या कहानी है हम देखेंगे अभी। लक्ष्मी अग्रवाल की बात करें दोस्तों, तो एक ब्रीफ ले लेते हैं। 1 जून 1990 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। एक एक्टिविस्ट है ये, एक एंकर है ये, और बहुत सारे इंटरव्यूज देती हैं, काफी फेमस भी हैं दोस्तों, और काफी एक्टिव है, लोगों को अवेयर करती हैं कि एसिड को बंद होना चाहिए, एसिड जो सर्वाइवर्स होते हैं उनकी भी मदद करती है दोस्तों, मोटिवेशनल स्पीचेस देती हैं। लेकिन उसके बावजूद इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि दोस्तों 10वीं के बाद इनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। देखिए कदम कदम पे बहुत सारी मुसीबतें इनकी जिंदगी में आई हैं। पहले तो इनपे एसिड अटैक हुआ, उसके बाद इनके भाई को टीबी हुआ, उसके बाद इनके पिताजी का देहांत हो गया, जिसकी वजह से सारा दारोमदार लक्ष्मी पे आ गया। लेकिन तब भी इन्होंने हार नहीं मानी, और अब भी इन्होंने हार नहीं मानी है, लड़ रही है। फिलहाल दोस्तों इनपे एक मूवी भी बनने वाली है, इनकी बायोपिक बहुत जल्द आने वाली है, दीपिका पादुकोण आई गेस इनका रोल जो है वो प्ले करेंगी, और शायद अगले साल रिलीज होने वाली है जनवरी में। छपाक मूवी का नाम है, शायद छपाक मूवी का ही नाम है, जी हाँ। तो ये बहुत फेमस है, लेकिन बहुत कुछ इन्होंने सहा है। 2005 में इनके साथ ये हादसा हुआ था, जब नदीम सैयद के एक आदमी ने, 32 वर्षीय आदमी ने इनके ऊपर तेजाब फेंक दिया था, एक लड़की के साथ मिलके, जो कि इनके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड थी, तो उसके साथ मिलके बियर बॉटल में तेजाब लेके आए और पूरा तेजाब इनके मुंह पे डाल दिया था, और इनका मुंह पूरा बिगड़ गया था। बहुत ही खतरनाक कंडीशन थी दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट चली गई कि कुछ भी करके तेजाब को बंद करवाना है, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये जो दाखिल किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ऐतिहासिक जजमेंट पास किया। तो ये चीज अब दोस्तों कहानी क्या थी, देखिए लक्ष्मी अग्रवाल का जन्म दिल्ली में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। जैसे हर परिवार होता है, वैसे इनका भी परिवार था, भाई थे, माता पिता थे, अब बहुत अमीर नहीं थे ये लोग, और लक्ष्मी एक सिंगर बनना चाहती थी, आवाज बहुत अच्छी थी इनकी, एक गायिका बनना चाहती थी, पढ़ने लिखने में ठीक थी, गायिका बनना चाहती थी, ट्रेनिंग लेना चाहती थी, रियलिटी शोज में जाना चाहती थी, तो ये इनके सपने थे दोस्तों। लेकिन जब ये 15 साल की थी, 2005 की बात है, तो एक
आदमी इसके पीछे पड़ गया, एक आदमी इसके पीछे पड़ गया जो 32 साल का था, इसके दुगनी उम्र का था। सर फेरा था दोस्तों, बहुत परेशान करता था लक्ष्मी को, बार बार कॉल करता था, बार बार मैसेज करता था। ये पता था लक्ष्मी नहीं बता पाएंगी, लक्ष्मी एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से थोड़ी आती थी, तो उनको पता था कि अगर परिवार में कुछ इस तरीके का मालूम चला तो प्रॉब्लम होगी। दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ये स्टडी आईक्यू का की रिक्वेस्ट है, जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं, स्पेशली जो भी बच्चियां इस लेक्चर को देख रही हैं, अगर आपके पास कुछ एक आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप जरूर बताएं, कुछ भी गलत हो रहा है तो जरूर बताएं। अगर आपको कोई मॉलेस्ट कर रहा है, कोई छेड़ रहा है, और आप इसलिए नहीं बता रही हैं कि घर पे पता नहीं क्या सोचेंगे, तो बिल्कुल मत डरिए, घर पे कोई कुछ नहीं सोचेगा, आप सही हैं। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप अभी इसी वक्त घर में बताएं, उस इंसान के खिलाफ FIR लॉन्च करें, क्योंकि बाद में बहुत खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। बिल्कुल भी मत डरिए, जब कोई इंसान सही होता है तो उसको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हर कोई आपके साथ है। अक्सर हमको ऐसा लगता है कि परिवार में बताएंगे तो परिवार वाले बहुत गुस्सा करेंगे, ये होगा वो होगा, कोई गुस्सा नहीं करेगा दोस्तों, दोस्तों हर कोई आपके साथ है। और मैं ये बच्चियों से खास तौर पर, क्योंकि जो लड़कियां हैं जो स्कूल जाती हैं उनके साथ ये बहुत होता है, बहुत केसेस देखे गए हैं कि लड़के मनचले पीछे पड़ जाते हैं, छेड़ने लगते हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास राइट्स हैं, आप इसका इस्तेमाल करिए, ये हमारी हाथ जोड़ के हर बच्चियों से रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों लक्ष्मी ये उस समय नहीं समझ पाई थी। अब दोस्तों इनके सपने बहुत बड़े बड़े थे, और ये जो पागल सरफिरा आदमी था ये बहुत जलता था, ये नहीं चाहता था इसके सपने पूरे हो, ये पीछे पड़ गया था 10 महीनों तक, इसके पीछे पड़ा रहा, लक्ष्मी के पीछे पड़ा रहा, और पीछे पड़ गया था कि मुझसे शादी कर लो, मैसेजेस भेजता था, बार बार मैसेजेस भेजता है, रोक के परेशान करता था। लक्ष्मी बताती है कि मुझे थप्पड़ तक मार दिया था, मेरी कमजोरी का फायदा उठाने लगा था, उसको पता था कि मैं घर पे नहीं बताऊंगी तो इस चीज का पूरा फायदा वो उठाता था। स्कूल जाते थी आती थी तो वो सड़क पे खड़ा मिलता था, मुझे बहुत ज्यादा खराब लगता था, डर भी लगने लगा था। लेकिन दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है। अब दोस्तों ऐसा है कि एक दिन, क्योंकि इनको सिंगर बनना था, तो एक दिन ये अपने परिवार को ये बताती कि मुझे जॉब करनी है, मुझे नौकरी करनी है। तो इनका परिवार बोलता है नौकरी क्यों करनी है, नौकरी की ऐसी कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये पीछे पड़ जाती है, मुझे करनी है करनी है। बेसिकली इनको जो सिंगर बनना था वो सपना जो है वो पूरा करना था। तो उसके बाद इनको एक बुक स्टोर में लक्ष्मी को जॉब भी मिलती है, वहां पे पार्ट टाइम में नौकरी करती हैं ताकि ये सिंगिंग की ट्रेनिंग ले सके पैसे इकट्ठा करके, वहां पे असिस्टेंट होती है। लेकिन दोस्तों 19 अप्रैल 2005 का दिन था, उससे पहले एक 19 अप्रैल को इसी पागल का लक्ष्मी के पास एक मैसेज आया था कि तुमको क्या करना है, तुम क्या करना चाहती हो अपनी जिंदगी के साथ, तुमको आगे बढ़ना है, तुमको अपने सपने पूरे करने हैं। लक्ष्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद कॉल आया, तब इसने पूछा, तब लक्ष्मी ने बोला हाँ मुझे अपने सपने पूरे करने, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। इस लड़के ने, इस आदमी ने सिर्फ फोन काट दिया, कुछ भी उस वक्त नहीं बोला, उसने कहा ठीक है। लक्ष्मी को लगा सब कुछ सही हो गया। लेकिन दोस्तों अगले दिन क्या हुआ कि लक्ष्मी जब खान मार्केट में अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी, इसको यही सरफिरा फॉलो कर रहा था, इसके साथ इसके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड थी। सोचिए एक औरत भी शामिल है इस अटैक में, हम क्या कहें ऐसे समाज को, हम क्या कहें जहां इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो यहां पे दोस्तों क्या हुआ कि फॉलो करना शुरू कर दिया, ये आगे जा रही, बाकी जो लड़का था और उसके साथ जो औरत थी वो पीछे चल रहे हैं, घूर रहे हैं। तो यहां पे लक्ष्मी को लगा कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। इससे पहले लक्ष्मी कुछ भी रिएक्ट कर पाती, जो लड़के के साथ औरत थी उसने लक्ष्मी को नीचे गिरा दिया, एक सेकंड के अंदर बियर की बोतल में एसिड था, वो पूरा का पूरा एसिड चेहरे पे डाल दिया लक्ष्मी के। एसिड दोस्तों आपको पता ही है H+ आयंस होते हैं, उसमें हाइड्रोजन होता है, आग है एसिड, तो आग को लिक्विड में कन्वर्ट कर दीजिए, इनफैक्ट आग से भी ज्यादा खतरनाक होता है एसिड, तो वो बहुत ही खतरनाक एसिड था। देखिए दोस्तों पीएच वैल्यू होती है ना, ठीक है, 14 की स्केल होती है, 7 से ऊपर बेसिक, 7 से नीचे एसिड, तो ये दोस्तों डिफाइन करता कि एसिड की स्ट्रेंथ क्या है। इस एसिड की पीएच वैल्यू इतनी कम थी, ये बहुत खतरनाक एसिड था। तो यहां पे दोस्तों जब इनके मुंह पे एसिड डाला तो ये उसी वक्त बेहोश हो गई, इनके कुछ भी इनको नहीं पता। उसके बाद जब होश आया तो फुटपाथ पे पड़ी हुई थी दोस्तों,
छटपटाने लगी, तड़पने लगी एकदम, ठीक है ना, जैसे आप मछली को पानी से बाहर निकालते जैसे वो तड़पती है ना, ऐसे ही लक्ष्मी तड़पने लगी, चिल्लाने लगी। अब यहां पे आप लोगों का रवैया देखिए, यहां पे लोगों ने क्या किया, लोग मजे ले रहे थे, लोग सोच रहे थे ये कब मरेगी, कब मरेगी, किसी ने कुछ भी करने की कोशिश नहीं की, ये लक्ष्मी खुद बता रही है, किसी ने कुछ भी कोशिश नहीं की, कोई पीसीआर वैन बुलाने की कोशिश नहीं की, खबर करने की कोशिश नहीं की। बहुत लोग तो आज तो ऐसा होता है कि लोग वीडियो बनाने लगते हैं, लोग मदद नहीं करते वीडियो बनाने लगते हैं। याद रखिएगा, जो मदद करते हैं उनको तो सल्यूट है, वो तो हमेशा आगे जाएंगे, लेकिन जो ऐसे तमाशा देखते हैं ना और बहुत मजा आता है उनको, उनका उनके जीवन जो उनका जीवन है ना, वो वहीं से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा, आप किसी की मुसीबत का फायदा उठा रहे हैं तो आपकी बर्बादी वहीं से शुरू हो जाएगी। नेचर ऐसे ही काम करता है, साइंटिफिकली नेचर ऐसे ही काम करता है। आप बच नहीं सकते, फिर उसके बाद मत कहिएगा कि मेरी जिंदगी इतनी श्रापित क्यों हो गई है, मैं मेरे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। हमेशा ऐसे लोगों की मदद करिए, अगर कोई भी लगे कि हाँ ये मुसीबत में है, तुरंत आगे आइए, बहुत अच्छा होता है दोस्तों, बहुत इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन लोग वहां पे तमाशा देख रहे थे। कोई मर रही है, छोटी सी बच्ची 15 साल की मर रही है, उसके मुंह पे तेजाब पड़ा हुआ है, लोग तमाशा देख रहे हैं कि कब मरेगी। एक थे, उनका नाम मैं भूल गया, शायद राम सिंह या कुछ करके थे वो, ठीक है, सरनेम उनका सिंह था, अरुण सिंह या राम सिंह कुछ ऐसे करके उनका नाम था, तो वो आए दौड़ते हुए, वो ये चीज देख रहे थे। उन्होंने इंसानियत का काम किया, उन्होंने तुरंत कोक बॉटल लेके आए, कोल्ड ड्रिंक की एक बॉटल लेके आए, उसमें आधी कोल्ड ड्रिंक आधा पानी, पूरा चेहरा धोया, और जब चेहरा धोया तो पूरी स्किन जो है ना वो आ गई उनके शरीर पे, शरीर मतलब लक्ष्मी के शरीर पे पूरी स्किन मेल्ट होके आ गई, पूरी ऊपर की चमड़ी जो है वो उधड़ गई, और उसके बाद वो पूरे उनके शरीर पे लगी, बहुत घबरा गई, बहुत ज्यादा घबरा गई लक्ष्मी। उसके बाद दोस्तों फिर पीसीआर वैन उन्हें बुलाया, तो पीसीआर वैन आई, पीसीआर वैन फिर इनको हॉस्पिटल ले गई, सरकारी हॉस्पिटल ले गई, वहां पे इनके माँ बाप आए, जब माँ बाप देखने आए तो अपने पिताजी से ये बस लिपट गई थी, गले लग गई थी और रोने लगी थी, और इनकी जो स्किन है वो पूरे इनके पिताजी की शर्ट पे लग गई थी, बहुत बुरी हालत थी दोस्तों। अब दोस्तों लोगों का तो आपने सुन लिया ना, रिलेटिव्स क्या कह रहे हैं, अगल बगल के पड़ोस वाले क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसे डालना था तो इनके मुंह पे क्यों डाला, कोई और बदन के अंग पे डाल देते, चक्कू से काट देते, गोली मार देते, जला देते, एसिड क्यों डाला, एसिड चेहरे पे डाला, चेहरा बिगड़ गया, शादी नहीं होगी, ऐसे हमारी सोसाइटी है, ये लोग कह रहे हैं। क्या बोले ऐसे लोगों को दोस्तों, आप समझ ही सकते होंगे क्या बोले, बस बहुत ही गलत है ये, जो भी ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहां पे रिलेटिव जो है वो ऐसे कमेंट्स पास कर रहे हैं, रिलेटिव वैसे छोड़ के चले गए, ठीक है, एक बार देखने आए रिलेटिव्स, उसके बाद कभी नहीं आए, आज भी नहीं आए, इनके दोस्त इनको छोड़ के चले गए, हर कोई छोड़ के चला गया, और जिस परिवार को बताने से ये बात डर रही थी लक्ष्मी कि मैं ये नहीं बताऊंगी कि मेरे पीछे एक लड़का पड़ा है, वही परिवार इनके साथ था, आखिरी तक साथ था, और उसी परिवार ने इनको ढांढस बताया। तो अल्टीमेटली आपकी फैमिली ही काम आती है। तो बहुत बुरी हालत थी दोस्तों, इनकी सर्जरी की गई, ये होश में थी, इनकी आंखें बाहर आ गई थी, और होश में इनकी आंखों की सर्जरी की गई, और वो बताती हैं कि बहुत ज्यादा उस समय दर्द हुआ, सोचिए एनेस्थीसिया कुछ नहीं, जग रही हैं, सब कुछ पता चल रहा है, दर्द पता चल रहा है, और इनकी सर्जरी हो रही है दोस्तों। अब उसके बाद जब इनको घर लेके आया गया तो इनके परिवार ने सारे शीशे हटा दिए थे घर से, ताकि ये चेहरे को देख ना पाए, लेकिन जब इन्होंने अपने चेहरे को देखा तो वहीं पे ही इनका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, ये परेशान हो गए। खूबसूरती बताती है कि खूबसूरती एक बहुत बड़ा पार्ट होती है, हर कोई खूबसूरती की तरफ भागता है, और लड़कियों के लिए तो बहुत ज्यादा मायने रखता है, और जब मैंने देखा कि मेरा जो चेहरा है वो इस तरीके का हो गया है, मेरी आंखें अलग हो गई है, मेरे होंठ बिल्कुल लटक रहे हैं, तो मुझे इतना ज्यादा दुख हुआ, मुझे लगा कि मैं आत्महत्या कर लूं, मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन फिर मेरे माता पिता ने, स्पेशली इनके फादर ने, वैसे भी बेटियां पिताजी के फादर्स के ज्यादा क्लोज होती हैं, तो यहां पे इनके पिताजी ने इनको बहुत ज्यादा संभाला, ढांढस बंधाया। 2007 में दोस्तों इन्होंने अपना 10th पास किया, ठीक है, इन्होंने 10th का एग्जाम दिया, उसके बाद दोस्तों 10th पास करने के बाद ये पढ़ाई ज्यादा क्या कहते हैं कि उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई, उसी समय इन्होंने 2006 में PIL भी दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, और फिर यहां पे कोर्ट में सुनवाई भी हो गई थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब ऐसा है
कि जब इन्होंने 10th पास किया, 10वीं पास की, तो यहाँ पे इनके भाई को टीबी हो गया। अब इनके पिताजी इनके भाई को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जिसकी वजह से इनके पिताजी का देहांत हो गया, हार्ट अटैक से इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। अब पूरी परिवार की, देखिए, एक ही इंसान जो था वो कमाता था, इनके पिताजी, अब इनके पिताजी छोड़ के चले गए, बहुत अमीर फैमिली नहीं, तो इनपे, इनके कंधों पे सारी जिम्मेदारी आ गई कि किस तरीके से ये अपने परिवार को चलाएंगे। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी दोस्तों, इन्होंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया था, इन्होंने टीचिंग का कोर्स किया था, तो इन्होंने कोशिश की कि ये परिवार चलाए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जहां पे भी ये नौकरी ढूंढने जाती थी, वहां पे इनको भगा दिया जाता था, इनको लिया ही नहीं जाता था। बहुत लोग इनको आश्वासन दे देते थे कि ठीक है हम नौकरी देंगे, लेकिन नहीं देते थे। कॉल सेंटर में जब ये गई दोस्तों, कॉल सेंटर एक कहते हैं ना कि एक सबसे मतलब जॉब मिल जाती है कॉल सेंटर में, तो जब कॉल सेंटर में ये देखने गई थी, जॉब ढूंढने गई थी, तो वहां पे बोला कि आपके चेहरे से हर कोई देख के डर जाएगा। तब इन्होंने बोला कि भैया फोन पे चेहरा नहीं दिखता है, फोन पे तो लोगों से बात करनी होती है ना, चेहरा तो दिखता नहीं है। तब भी इनको नौकरी नहीं मिली, बहुत दिक्कत हुई दोस्तों। उसके बाद ये स्टॉप एसेट कैंपेन से जुड़ी, तब इनको लगा कि एक ऐसी चीज हमको चलानी चाहिए, कैसा कैंपेन लॉन्च करना चाहिए जहां पे हम सबको न्याय दिला सके। और बता दूं दोस्तों कि ये भी बताती है कि जब हम हमारे साथ ऐसी कोई घटना होती है तो हमको अपनी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब स्टॉप एसेट कैंपेन लॉन्च हुआ तो ऐसे बहुत सारी एसेट सर्वाइवर्स आए। किसी के पति ने उन पे एसेट डाल दिया, किसी की फैमिली ने एसेट डाल दिया, किसी महिला पे इसलिए एसेट डाल दिया गया कि वो खाली लड़कियों को, औरतों को जन्म दे रही गई दे दे रही थी। अच्छा, लक्ष्मी के लिए भी ये बोला गया था जब इन पे एसेट फेंका गया था कि इस लड़की को मार दो, लड़की है इसको खत्म कर दो, ऐसा बोला था इनको परिवार को। इस तरीके के सजेशंस मिले थे, लेकिन दोस्तों सजेशंस मिले इनके पिताजी ने बिल्कुल दरकिनार किया, इनकी फैमिली पूरी तरीके से साथ थी। स्टॉप एसेट कैंपेन चलाई 2014 में, 2013 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अब से अगर कोई भी एसेट ले रहा है तो उसके पास आईडी प्रूफ होना जरूरी है, और जो दे रहा है उसके पास तो लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। लेकिन आप देख ही रहे हैं दोस्तों, दुकानों में जाइए, खुलेआम एसेट बिकता है, ये सब क्या है दोस्तों? बिल्कुल ऐसी कंप्लेन होनी चाहिए कि अगर लगे कि यहाँ पे एसेट बिक रहा है, ऐसे कैसे आप एसेट बेच सकते हैं? सोचिए, कोई भी खरीद सकता है, कोई भी उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, आसानी से 10-20 रुपए का बिकता है, तो ये कितनी गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की अवहेलना है। बहरहाल दोस्तों, इनकी कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों। अभी अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा ये बहुत सारे इंटरव्यूज देती हैं, अभी तो इन्होंने रैंप वॉक भी की थी, लेकिन दोस्तों फाइनेंशियली इनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। स्टॉप एसेट कैंपेन के जो एक्टिविस्ट थे आलोक दीक्षित, उनसे इनकी शादी हुई। हालांकि ये शादी बहुत दिनों तक नहीं चल पाई, बहुत जल्दी इनका, ये लोग दोनों अलग भी हो गए, सेपरेट हो गए। तो यहां पे जो इनकी, इनके बेटी की कस्टडी है, इनकी एक बेटी है पीहू, वो लक्ष्मी को ही मिली है। लेकिन लक्ष्मी अब कैसे खर्चा चलाएं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी तो वो है नहीं, तो नौकरी मिलने में उनको बहुत दिक्कतें होती हैं। हालांकि कोर्ट ने उनको 3 लाख रुपए कंपनसेशन जरूर दिया, लेकिन वो बताती है कि वो सब कुछ सर्जरी में चला गया। दोस्तों आज के समय में क्या होता है ये सब चीजें, वैसे उन और बहुत दिक्कतें हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये एनजीओ से भी जुड़ी हुई है और ये हार नहीं मान रही है, अभी भी इन्होंने हार नहीं मानी है। ये जब रैंप वॉक करने जाती हैं और भी जब बहुत सारी जगह जाती हैं, तो वहां पे इनको पैसे नहीं मिलते, ठीक है? तो अल्टीमेटली घर किससे चलता है? घर तो आपका पैसे से ही चलेगा ना, आपको कुछ ना कुछ, यू हैव टू अर्न फॉर लिविंग। तो यहाँ पे अब यही सोच रही हैं, लक्ष्मी का ये मानना है कि अब जो है मैं कुछ भी करके मेहनत करूंगी, मैं किसी से कम नहीं हूं, और अपनी बेटी का खर्चा चलाऊंगी। जब आलोक दीक्षित से ये बात पूछी गई कि आप क्यों नहीं देते, तो आलोक दीक्षित ने ये बोला कि मेरे बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए भी नहीं है, हम सब सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट के अकाउंट्स में 1 रुपए नहीं होता है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो ये चीज है। हालांकि सब कुछ अच्छा चल रहा है दोस्तों, अभी भी लक्ष्मी जो है वो बिल्कुल एक्टिव है, इंटरव्यूज देती हैं, लोगों को अवेयर करती हैं, और इंस्पिरेशन है सबके लिए। शीरोज जो कैफे है, ये आगरा और लखनऊ, हालांकि मैं लखनऊ में रहता हूं और मैंने यहाँ पे विजिट भी किया है, तो यहाँ पे दोस्तों आप पेमेंट नहीं है, मतलब पैसे अगर आपको जितना देना हो आप दे सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे इस तरीके का है। और आपको एक चीज और बता दूं कि अक्सर क्या होता है कि अगर इस तरीके के कैफेज होते हैं, कैफेज मतलब कि जैसे जो शीरोज है वो एसिड सर्वाइवर चलाते हैं, जिनपे एसिड अटैक्स हुए हैं, तो वो जो सर्वाइवर्स है वो ये कैफे चलाती हैं। तो अक्सर लोग
भावावेश में आके इमोशनल होके बहुत ज्यादा पैसे दे देते हैं दया खा के। तो वहां पे ये साफ लिखी हुई है कि इस तरीके के एक्स्ट्रा टिप जो है वो हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उतने ही पैसे एक्सेप्ट किए जाएंगे जितने का आपने कंज्यूम किया है। तो ये चीज है, हालांकि हम तो यही चाहेंगे कि ये जो तेजाब है ये सबसे पहले तो बिकना ऐसे खुलेआम बंद हो और सरकार और ठोस कदम ले, एसिड सर्वाइवर्स को और एम्पावर करे और कभी भी ऐसी फ्यूचर में घटना ना हो और ऐसे सरफिरों पे तो बिल्कुल नकेल कसी जाए। तो दोस्तों ये लेक्चर था, पूरी बायोग्राफी थी लक्ष्मी पे। आई होप आपको पसंद आया होगा, इसको जरूर शेयर करिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।